गुड मॉर्निंग महावितरण बैच, गुड मॉर्निंग। चलो सब लोग इधर ध्यान देना। तो टिल द डेट हम लोग अभी तक चार चैप्टर फिनिश कर चुके हैं। आज जो हम लोग चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं वो हमारा फिफ्थ चैप्टर है। और चैप्टर का नाम, जैसे आप लोग अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हो, चैप्टर का नाम है सब्सिडियरी बुक, दैट इज सब्सिडियरी बुक हम उसको बोलते हैं। तो टिल द डेट हम लोगों ने क्या पढ़ा है, एक बार हम उसको भी जान लेते हैं कि यार अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है, ताकि आपको एक सेंट्रल आइडिया रहे कि अभी तक हमारे डिस्कशन क्या क्या हो चुके हैं। तो सबसे पहले लेट मी रिमाइंड यू, हम लोगों ने पहले चैप्टर के अंदर पढ़ा था फाइनेंशियल अकाउंट्स के एकदम बेसिक बेसिक टर्म पढ़े थे। चैप्टर नंबर टू के अंदर हम लोगों ने फाइनेंशियल अकाउंट्स के अंदर जो अकाउंटिंग कन्वेंशंस एंड अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे कि गोइंग कंसर्न हुआ, कंजर्वेटिज्म हुआ, एक्रूवल कंसेप्ट हुआ, तो वो कंसेप्ट्स वाला चैप्टर हम लोगों ने कवर किया था। देन हमने किया था जर्नल वाला चैप्टर, जहाँ पे हम लोगों ने जर्नल पढ़ा था, है कि नहीं, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट पढ़े थे, मॉडर्न अप्रोच पढ़ा था, जहाँ पे कैपिटल अगर इंक्रीज होती है तो क्रेडिट होती है, डिक्रीज होती है तो डेबिट होती है, लाइबिलिटी अगर इंक्रीज होती है तो हम उसको क्रेडिट करते हैं, डिक्रीज होती है तो डेबिट करते हैं, एसेट अगर इंक्रीज होता है तो हम उसको क्या करते हैं बेटा, डेबिट करते हैं, डिक्रीज होता है तो क्रेडिट करते हैं, एक्सपेंस होने पे डेबिट होता है, लॉस होने पे डेबिट होता है, गेन होने पे क्रेडिट होता है, इनकम होने पे भी क्रेडिट होता है, ये पढ़ा था। देन उसके बाद अगले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था, सबसे इंपॉर्टेंट लेजर अकाउंट्स पढ़े थे। वहां पे हम लोगों ने एकदम बहुत अच्छे से पढ़ा था कि डेबिट बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस क्या होता है। फिर भी आपको याद दिला दूं, अगर डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है और क्रेडिट साइड की अगर टोटल कम है तो डिफरेंस अमाउंट कहलाता है बेटा डेबिट बैलेंस, ओके। और क्रेडिट बैलेंस ज्यादा है, क्रेडिट साइड का अमाउंट ज्यादा है, क्रेडिट टोटल ज्यादा है डेबिट टोटल से, तो ऐसे टाइम पे जो टोटल आती है, जो बैलेंस आती है, उसको अपन क्या बोलते हैं, डेबिट, सॉरी, क्रेडिट बैलेंस कहते हैं, राइट। तो हम बेसिकली हम लोगों ने ये देखा था अपने लेजर वाले चैप्टर के अंदर। तो लेजर वाला चैप्टर खत्म करने के बाद हम लोगों ने पढ़ा था ट्रायल बैलेंस, ठीक है नहीं। ट्रायल बैलेंस बेसिकली एक स्टेटमेंट होती है। ट्रायल बैलेंस बेसिकली क्या होती है, स्टेटमेंट होती है जहां पर हम अलग अलग अकाउंट्स के बैलेंसेस लिखते हैं, ठीक है नहीं। अलग अलग अकाउंट्स के अलग क्या लिखते हैं अपन, बैलेंस लिखते हैं। तो वहां पे मैंने आप लोगों को ये भी समझाया था कि हम लोग जब, वैसे तो हम अपना ट्रायल बैलेंस अपने आप मैच हो जाता है अगर हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स अरिथमेटिकली एक्यूरेट है, अरिथमेटिकली एकदम करेक्ट है, तो अपना अपना ट्रायल बैलेंस ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा बेटा, टैली हो जाएगा, मैच हो जाएगा। बट इन केस, इन दैट केस अगर मैच नहीं करता तो जो साइड शॉर्ट कर रहा है हम उस साइड पे क्या लिखते हैं, सस्पेंस अकाउंट लिखते हैं। इसका मतलब अगर क्रेडिट की टोटल ज्यादा है, डेबिट की टोटल कम आ रही है, तो जो साइड पे कम आता है वहां पे हम उस शॉर्टफॉल वाले अमाउंट से क्या करते हैं, सस्पेंस अकाउंट लिख देते हैं। और अगर डेबिट का टोटल ज्यादा है, क्रेडिट का टोटल अगर शॉर्ट कर रहा है, तो जितनी जितनी अमाउंट से शॉर्ट करेगा उतनी अमाउंट से हम क्या करते हैं, सस्पेंस अकाउंट लिख देते हैं। इसका मतलब सस्पेंस अकाउंट डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड पे आने के चांसेस रहते हैं। तो ये हमने कहां पे पढ़ा था, बेसिकली ट्रायल बैलेंस वाले चैप्टर में पढ़ा था। तो आज जो हम सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, वो चैप्टर का नाम है बेटा सब्सिडरी बुक्स। चैप्टर का नाम क्या अपना, सब्सिडरी बुक्स नामक चैप्टर है, ओके। वैसे देखा जाए ना तो ये चैप्टर एकदम इजी चैप्टर है, टफ चैप्टर बिल्कुल नहीं है। बट ये चैप्टर का वेटेज भी आपके लिए रहेगा मिनिमम वन क्वेश्चन का। मिनिमम कितने क्वेश्चन बनेंगे आप यहां से, आप लोगों को कम से कम एक क्वेश्चन तो बनेगा ही बनेगा, पूरे चैप्टर से कम एक क्वेश्चन बनने का चांस रहेगा, ओके। तो हम एक एक चीजों को डिस्कस करें, उसके पहले मैं आप लोगों को एक बार एक सेंट्रली आइडिया दे देता हूं कि हम इस कंप्लीट मतलब चैप्टर के अंदर, सब्सिडरी बुक वाले चैप्टर के अंदर हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो देख लेना, सबसे पहला है अपना ये देखना, सब्सिडरी बुक। सब्सिडरी बुक का पहला क्या रहेगा, जर्नल प्रॉपर, ओके। याद रखना, जर्नल प्रॉपर को मैं सबसे लास्ट में ले लेता हूँ, ओके। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, सेल्स बुक होगा, परचेस बुक होगा, जहां पे सेल्स बुक है वहां पे सेल्स रिटर्न बुक भी होगा, जहां पे परचेस बुक है ना वहां पे परचेस रिटर्न बुक भी रहेगा। उसके बाद क्या रहेगा अपना, बिल्स रिसीवेबल बुक, और उसके बाद आ जाएगा बिल्स पेएबल बुक, और उसके बाद आ जाता है अपना कैश बुक। उसके बाद कौन सा आ जाता है बेटा, अपना कैश बुक आ जाता है। और याद रखना, इसी कैश बुक को हम क्या करते हैं, अलग अलग कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करते हैं। जैसे पहला होगा सिंपल कॉलम कैश बुक, पहला कौन सा होगा जी, सिंपल कॉलम कैश बुक या फिर सिंगल कॉलम कैश बुक होगा। दूसरा कौन सा होगा फिर सर, डबल कॉलम कैश बुक। दूसरा कौन सा होगा फिर, डबल कॉलम कैश बुक। और तीसरा कौन सा होगा सर, थर्ड वन होगा,
इसके नाम से पता चल रहा होगा आप लोगों को, ट्रिपल कॉलम कैश बुक। कौन सा जी? ट्रिपल कॉलम कैश बुक। एंड फोर्थ वन होता है अपना पिटी कैश बुक। फोर्थ वन कौन सा होता है अपना? पीटी कैश बुक होता है। छोटे मोटे खर्चे रिकॉर्ड करने के लिए जो बुक मेंटेन करी जाती है ना, उसको अपन क्या बोलते हैं? पीटी कैश बुक बोलते हैं। तो इस तरीके से इस चैप्टर के अंदर कंप्लीटली हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है, तो सबसे पहले जर्नल प्रॉपर होगा, उसके बाद सेल्स होगा, सेल्स बुक होगा, सेल्स बुक के बाद अपना सेल्स रिटर्न बुक है, परचेस बुक के बाद अपना सॉरी पर यहाँ पे कुछ एक मिनट, ये अपना परचेस, यहाँ पे सेल्स नहीं है, दिस इज परचेस, ये थोड़ा प्रिंट मिस्टेक है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। ओके, परचेस है तो परचेस रिटर्न बुक है, फिर अगर बिल्स रिसीवेबल है तो उसके साथ बिल्स पेबल होगा, और कैश बुक, तो कैश बुक ब्रॉडली हम कितने टाइप में पढ़ने वाले, तो पहला कौन सा होगा? सिंपल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक, ट्रिपल कॉलम कैश बुक एंड पिटी कैश बुक। और कौन सा होगा अपना? पिटी कैश बुक। ये चार टाइप के कैश बुक हमको बेसिकली कवर करने हैं, राइट। चलिए तो सबसे पहले थियोरेटिकल बैकग्राउंड देख लेते हैं थोड़ा इस चैप्टर का। द सिस्टम देख लेना, थ्योरी है खाली, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आप लोगों को हाईलाइट करके दे रहा हूं, जो कि आपको आपकी नोटबुक के अंदर लिख के रखने, राइट, अदरवाइज आप इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। द सिस्टम बाय विच ट्रांजेक्शन ट्रांजेक्शन ऑफ अ क्लास आर फर्स्ट रिकॉर्डेड, आईएनटी करना है स्टेटमेंट को, फर्स्ट रिकॉर्डेड, एक ऐसी सिस्टम जिस सिस्टम के तहत ट्रांजेक्शन पहली बार जिस बुक में रिकॉर्ड करे जाते हैं, पहली बार जिस बुक में रिकॉर्ड करे जाते हैं ना, उसी बुक को अपन क्या बोलते हैं बताए, बोलो, उसी बुक को अपन क्या बोलते हैं? सब्सिडरी बुक कहते हैं। उसी बुक को अपन क्या कहते हैं? सब्सिडरी बुक कहते हैं। और सब्सिडरी बुक के बेसिस पे ही आगे चलकर अपन फिर क्या बनाते हैं बेटा? लेजर अकाउंट्स बनाते हैं। आगे चल के अपन फिर क्या बनाते हैं? लेजर अकाउंट बनाते हैं। और ये जो सिस्टम अपन फॉलो कर रहे हैं ना, पहले सब्सिडरी बुक देन लेजर, इस वाली सिस्टम को अपन कहते हैं कौन सा? इंग्लिश सिस्टम। कौन सा सिस्टम कहते हैं अपन इसको बोलते हैं ना? प्रैक्टिकल सिस्टम, प्रैक्टिकल सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग और इंग्लिश सिस्टम कहते हैं। ओके चलो, थ्योरेटिकली लिखा, ई बुक के अंदर मैंने दे भी दिया, आप लोग कर सकते हो। ओके चलो अगला, ओरिजिनल एंट्री बुक्स आर नोन एज सब्सिडरी बुक, मैंने ऊपर आपको बता दिया, जहां पे ओरिजिनल एंट्रीज बनाई जाती है, जहां पे ओरिजिनल एंट्री बुक्स के अंदर रिकॉर्ड करी जाती है, उसी को अपन क्या कहते हैं बेटा? बोलो, उसी को अपन क्या कहते हैं? सब्सिडरी बुक कहते हैं। ओके देख लेना, सब्सिडरी बुक मेंटेन करने के फायदे क्या है, सब्सिडरी बुक मेंटेन करने के फायदे क्या है, यहां पे हमने कुछ फायदे देने की कोशिश की, देख लेना। सॉरी, डिवीजन ऑफ वर्क। अब सर, डिवीजन ऑफ वर्क कैसे होगा? देख लेना, हमने परचेस बुक अलग से मेंटेन करी है, सेल्स बुक अलग से मेंटेन करी है, उसके अंदर परचेस रिटर्न, सेल्स रिटर्न, कैश बुक अलग से है, बिल्स रिसीवेबल अलग से है, बिल्स पेबल अलग से है। तो यार देख लेना, अगर ये हम एक पर्टिकुलर काम को अगर इतने पार्ट में डिवाइड कर देंगे ना, मतलब परचेस का काम अलग से, सेल्स का काम अलग से, कैश का काम अलग से, तो ऑटोमेटिकली हमारा जो वर्क है वो क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा, राइट। फिर आगे देख लेना नेक्स्ट वन, स्पेशलाइजेशन एंड इफिशियंसी, सेविंग ऑफ टाइम, अवेलेबिलिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, देख लेना। हमें अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर रेडीली अवेलेबल करानी है, तो सब्सिडरी बुक की मदद से हम इस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को रेडीली कन्वीनियंटली अवेलेबल करा सकते हैं। जैसे अगर मुझे कैश इन हैंड का पता करना है, तो सिंपली व्हाट आई विल चेक, कैश बुक चेक कर लूंगा यार, है कि नहीं। मुझे अगर परचेस का स्टेटस चेक करना है, तो मैं क्या करूंगा? अपनी परचेस बुक चेकआउट कर लूंगा, तो वहां से मुझे इन्फॉर्मेशन कंप्लीटली अवेलेबल हो जाती है, राइट। फैसिलिटेटिंग व्हाट? चेकिंग, राइट। चलिए नेक्स्ट, व्हाट इज प्रिंसिपल बुक, ये ऑलरेडी डिस्कस किया है, बताने की जरूरत नहीं है। चलो तो अब अपन क्या करते हैं, वन बाय वन एक एक बुक को डिस्कस करना शुरू करते हैं, इंपॉर्टेंट है याद रखना। देख लेना, सबसे पहले अपन देखने जा रहे परचेस बुक, सबसे पहले अपन क्या देखने जा रहे? परचेस बुक देखने जा रहे। ओके एक बात याद रखना, अगर नहीं तो काम करते हैं, पहले ना एक स्टेटमेंट पढ़ लेते, इससे आपको बहुत ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। देख लेना, अ बुक विच इज मेंटेन फॉर रिकॉर्डिंग, एक ऐसी बुक जो हमने मेंटेन करी है रिकॉर्ड करने के लिए, क्या रिकॉर्ड करने के लिए बताए? क्रेडिट परचेसेस। अब यहां पे आपको एक लाइन लिखनी है, क्रेडिट परचेसेस ऑफ गुड्स ओनली, क्रेडिट परचेसेस ऑफ गुड्स ओनली, मतलब एक ऐसा बुक जो हम लोगों ने मेंटेन तो किया है, लेकिन उस बुक के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ क्या लिखेंगे पता है? क्रेडिट परचेसेस लिखेंगे, वो भी सिर्फ गुड्स वाली, क्रेडिट परचेसेस लिखेंगे, वो भी सिर्फ कौन से वाले बेटा? गुड्स वाले। इसका मतलब परचेस बुक के अंदर क्रेडिट परचेस ऑफ गुड्स के अलावा कुछ भी रिकॉर्ड नहीं होता, क्रेडिट परचेस ऑफ गुड्स के अलावा कुछ भी रिकॉर्ड होता है क्या? नहीं होता। तो सिंपली एक बात याद रखना, अगर आपसे मैं कहूं ना कि हमने ना कैश परचेस किया है, हमने क्या किया?
हमारी कुछ कैश परचेसेस है, मान के चलो कि हमने गुड्स परचेस किए, एग्जाम्पल है अपना गुड्स परचेस्ड फॉर कैश, गुड्स परचेस फॉर कैश। तो सिंपली मुझे एक बात बता, ये गुड्स परचेस फॉर कैश क्या हमारी परचेस बुक के अंदर रिकॉर्ड होगा क्या? तो मेरा आंसर है नहीं। मेरा आंसर क्या है? नहीं। क्यों? क्योंकि परचेस बुक के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट परचेसेस ही रिकॉर्ड होती है, वो भी खाली गुड्स वाली, वो भी कौन सी? गुड्स वाली। चलो अगला एग्जाम्पल, मान के चलो कि अगर मैंने उधार पे, दैट इज मैंने अगर क्रेडिट पे कोई मशीन खरीदा, क्रेडिट पे मैंने कोई कंप्यूटर खरीदा, क्रेडिट पे कोई मैंने मशीनरी खरीदी, बेसिकली बोलने की बात ये है कि अगर मैंने क्रेडिट पे अगर कोई अपना एसेट एक्वायर किया है, तो उस एसेट को भी क्या मैं अपनी परचेस बुक में रिकॉर्ड करूंगा क्या? नहीं। क्या मैं उस एसेट को भी अपने परचेस बुक में रिकॉर्ड करूंगा क्या? नहीं करूंगा। क्यों? बिकॉज एसेट हमारी गुड्स थोड़ी ना है, एसेट हमारी गुड्स है क्या? नहीं है। ओके चलो, तो इतने डिस्कशन से आप लोगों को एक बात तो समझ में आ गई होंगी ना कि परचेस बुक के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट परचेसेस ऑफ गुड्स लिखते हैं। क्या लिखते हैं अपन? क्रेडिट परचेसेस ऑफ गुड्स लिखते हैं, उसके अलावा कुछ लिखते हैं क्या? नहीं। चलिए अब एक काम करते हैं, देखो यहाँ पे क्या लिखा है नोट के अंदर, कैश परचेसेस आर नॉट रिकॉर्डेड इन द परचेस बुक। आईएमपी कर देना, अभी मैंने बताया भी था आपको कैश परचेसेस यहाँ पे रिकॉर्ड होती नहीं। हाँ, रिकॉर्डिंग कर। क्रेडिट परचेसेस क्या अपनी क्रेडिट बुक, सॉरी परचेस बुक के अंदर रिकॉर्ड होती है क्या? आंसर इज नो। सॉरी, क्रेडिट परचेसेस रिकॉर्ड होती है, कैश परचेसेस अपनी परचेस बुक के अंदर रिकॉर्ड होती नहीं। ओके, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, इस पॉइंट को अच्छे से नोट कर लेना। चलो अगला पॉइंट देख लेना, एंट्रीज इन द परचेसेस आर रिकॉर्डेड रिकॉर्डेड ऑन द बेसिस ऑफ इनवाइस, ऑन द बेसिस ऑफ इनवाइस रिसीव्ड फ्रॉम द सप्लायर। हमें जो सप्लायर से इनवाइसेस मिलती है, आपको आपको तो ऑलरेडी आइडिया ही है ना, या फिर पता भी होगा, क्रेडिट परचेस की या फिर क्रेडिट ट्रांजेक्शन की केस में इनवाइस इश्यू किया जाता है, तो उसी इनवाइस के बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं? परचेस बुक के अंदर एंट्रीज करते हैं। डन। चलो अगला देख ले, ये इंपॉर्टेंट है, देख लो, एक्चुअली हमने डिस्कस किया है बट ये इंपॉर्टेंट है। इवन परचेसेस परचेसेस अदर देन गुड्स आर नॉट रिकॉर्डेड, परचेसेस अदर देन गुड्स, क्या लिखा है देख लेना, अदर देन गुड्स, गुड्स को छोड़ के क्या कोई परचेस अपने परचेस बुक में रिकॉर्ड होती है क्या? नहीं। जैसे एग्जाम्पल के लिए देख लेना, परचेस ऑफ फर्नीचर नॉट रिकॉर्डेड इन द परचेस बुक, परचेस ऑफ कंप्यूटर नॉट रिकॉर्डेड इन द परचेस बुक, एंड बेसिकली एक्विजिशन ऑफ एसेट इज नॉट नॉट ऑल्सो नॉट रिकॉर्डेड इन द परचेस बुक। तो मतलब ये अपन परचेस बुक के अंदर रिकॉर्ड करते हैं क्या? नहीं करते। ओके, और कुछ इंपॉर्टेंट बातें याद रखना आप लोग इसके बारे में, परचेस बुक का पीरियोडिकल टोटल, परचेस बुक का पीरियोडिक टोटल, हो सकता है परचेस बुक का टोटल अपन मंथली बेसिस पे बना रहे हो सकता है ना, कि परचेस बुक का टोटल अपन लोग कौन से बेसिस पे बना रहे? मंथली बेसिस पे बना रहे, या फिर हर 3 महीने के बाद बना रहे, या फिर 6 महीने के बाद बना रहे, जो कोई टाइम पीरियड होगा। अगर अपन मंथली बेसिस पे बना रहे तो मंथली बेसिस पे, क्वार्टर बेसिस पे बना रहे हो तो क्वार्टरली बेसिस पे, और हाफ ईयरली बेसिस पे बना रहे तो हाफ ईयरली बेसिस पे। ये पर्टिकुलर पीरियड जब खत्म हो जाएगा तो परचेस बुक का पीरियोडिक टोटल अपन लोग क्या करते हैं पता है? परचेस अकाउंट के, कौन से बताओ? परचेस अकाउंट के डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं। परचेस बुक का पीरियडिक टोटल अपन कहां पे रिकॉर्ड करते हैं? परचेस अकाउंट के डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं। इससे आप लोगों को ना मैं और एक हिंट दे देता हूं, अगर परचेस बुक का पीरियडिक टोटल परचेस अकाउंट के डेबिट साइड पे रिकॉर्ड हो रहा है, परचेस बुक का पीरियडिक टोटल कहां पे रिकॉर्ड हो रहा है? परचेस अकाउंट के डेबिट साइड पे रिकॉर्ड हो रहा है, तो सेल्स बुक का पीरियडिक टोटल सेल्स अकाउंट के क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड होगा। बताओ सेल्स अकाउंट के कहां पे होगा? क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड होगा। इससे ना हम और एक पॉइंट विड्रॉ कर सकते हैं, कौन सा पता है? एक पॉइंट और हम कंक्लूड कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मुझे एक बात बताना, अगर मैं परचेस बुक का पीरियडिक टोटल परचेस अकाउंट के डेबिट पे लिख रहा हूं, तो परचेस रिटर्न का पीरियडिक टोटल मैं कहां पे लिखूंगा पता है? परचेस अकाउंट के क्रेडिट साइड पे। कहां पे लिखूंगा? परचेस अकाउंट के क्रेडिट साइड पे, राइट? उसी तरीके से अगर मैं अपना, चलो आने वाली बातें तो लाइक नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे, नहीं तो आपको ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगी। ओके, ऐसा ना हो कि मैं परचेस के साथ साथ सेल्स, परचेस के साथ साथ परचेस रिटर्न, और सेल्स के साथ में सेल्स रिटर्न, सभी पॉइंट अगर एक जगह पर डिस्कस करूंगा तो हो सकता है आप में से बहुत सारे स्टूडेंट को क्या हो जाए? थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाए। तो एज ऑफ नाउ इस कंप्लीट पॉइंट के डिस्कशन में हमें याद क्या रखना है कि भैया परचेस बुक एक सब्सिडरी बुक है, जहां पर अपन क्या बोलते हैं, क्रेडिट परचेसेस ऑफ गुड्स ओनली रिकॉर्ड करते हैं, है ना, बाकी एसेट्स का, कैश परचेस,
हम यहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं क्या नहीं करते, इसका पीरियडिक टोटल अपन परचेस अकाउंट के डेबिट साइड पे लिखते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, परचेस बुक के अंदर अपन रिकॉर्डिंग करते हैं इनवाइस के बेसिस पे। परचेस बुक के अंदर अपन रिकॉर्डिंग करते हैं कौन सी बेसिस पे, इनवाइस बेसिस पे रिकॉर्डिंग करते हैं, राइट। चलिए तो यहाँ पर आपके सामने एक परचेस बुक का मैंने फॉर्मेट दे दिया है। तो इसका देखो फर्स्ट कॉलम क्या होता है, डेट वाला कॉलम, दूसरा क्या होगा पर्टिकुलर, तीसरा इनवाइस, याद रखना ये इंपॉर्टेंट है। परचेस बुक के अंदर इनवाइस कॉलम होता है, उसके बाद क्या होगा लेजर फोलियो, उसके बाद होगा डिटेल्स, डिटेल्स अबाउट गुड्स होगा, यहाँ पे क्या होगा डिटेल अबाउट गुड्स होगा, और यहाँ पे लिखा जाएगा बेटा अमाउंट इन्वॉल्व इन अ पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन, अमाउंट इन्वॉल्व इन अ पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन होगा, राइट। चलिए होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा, ओके पक्का ना। चलिए अब बढ़ते हैं अपन आगे, परचेस रिटर्न बुक, देखना कौन सा बुक करना, परचेस रिटर्न बुक। तो सर परचेस रिटर्न सॉरी, तो परचेस रिटर्न बुक की क्या कहानी है, तो सिंपल है, इधर सुनो। मान के चलो कि मैं कपड़े का व्यापारी हूं, मैं किस में डील करता हूँ, क्लॉथ में डील करता हूँ, मैं कपड़े का व्यापारी हूँ। मैंने अपने अलग अलग सप्लायर से ना अलग अलग टाइप के शर्ट्स, टी शर्ट्स, ट्राउजर्स, है कि नहीं, अलग अलग प्रकार के मैंने कपड़े खरीद के रखे हैं। मान के चलना एग्जाम्पल के लिए मैंने अपने क्लाइंट को बोला था कि मुझे शर्ट्स की ना 1000 क्वांटिटी चाहिए, मुझे एक पर्टिकुलर शर्ट्स की कितनी क्वांटिटी चाहिए, 1000 क्वांटिटी चाहिए, उसमें से मुझे एम साइज के 250 दे देना, एम साइज के कितने देना 250 दे देना, एल साइज के मुझे 250 क्वांटिटी चाहिए, है कि नहीं। फिर अपन बोलते हैं एक्सएल साइज की मुझे 250 क्वांटिटी चाहिए, एंड लाइकवाइज हम यहाँ पे ना अलग अलग साइज की मैंने उसको क्वांटिटी बताई थी। तो हुआ क्या, उसने ना गलती से एम साइज की 250 क्वांटिटी देने की जगह पर सामने वाले मेरे सप्लायर ने मुझे ना 500 क्वांटिटी सप्लाई कर दी। कितनी क्वांटिटी सप्लाई कर दी, 500 क्वांटिटी सप्लाई कर दी। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे हमने क्वांटिटी ऑर्डर किया था सिर्फ 250 का, उसने दे दिया 500 का, तो क्या ये कंप्लीट क्वांटिटी में रख लूंगा क्या, आंसर इज नो। इसमें से अब मैं क्या करूंगा बताए, ये 250 क्वांटिटी रख लेंगे और ये ऊपर की जो एक्सेस क्वांटिटी है इसको अपन क्या करेंगे रिटर्न कर देंगे, इसको अपन क्या करेंगे रिटर्न कर देंगे। अब ये मान के चलो ये जो एल साइज का था ना उसने बराबर 250 ही दे दिया है, लेकिन मैंने जो उसको कलर बताया था उसके अंदर 50 शर्ट्स के कलर डिफरेंट है, उसमें से 50 कलर के क्या, कलर क्या बेटा शर्ट्स के क्या डिफरेंट है। तो मुझे एक बात बताना, ये जो 50 शर्ट जो डिफरेंट कलर के है जो मैंने मंगवाए नहीं थे, क्या इसको मैं रखूंगा क्या, नहीं वापस कर दूंगा। तो ऐसे ना एक नहीं मल्टीपल रीजन हो सकते हैं एक पर्टिकुलर फर्म के पास अपनी मतलब उसके द्वारा की गई परचेस को रिटर्न करने के लिए, है कि नहीं। तो इस प्रकार की जब परचेसेस अपन मतलब बोलते हैं ना, इस प्रकार की जब परचेस अपन करते हैं और उसको अपन रिटर्न करते हैं ना, तो ये रिटर्न वाली परचेसेस को अपन कहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं, तो उसके लिए अपन लोग एक्सक्लूसिव बुक मेंटेन करते हैं जिसका नाम है परचेस रिटर्न बुक, जिसका नाम क्या बेटा परचेस रिटर्न बुक। लेकिन और एक बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना, अगर आप लोगों का रिटर्न अगर फ्रीक्वेंट नहीं है, अगर आप लोगों का रिटर्न क्या है फ्रीक्वेंट नहीं है, तो आप लोगों के लिए परचेस रिटर्न बुक मेंटेन करना कंपलसरी नहीं है, आप लोगों को परचेस रिटर्न बुक मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। सिंपली अगर आपके रिटर्न्स फ्रीक्वेंट नहीं है तो आप उसको कहां पर रिकॉर्ड करोगे, जर्नल में। आप उसको कहां पर रिकॉर्ड करोगे बेटा, जर्नल के अंदर रिकॉर्ड कर दोगे, ओके। चलिए देख लेना यहाँ पे क्या लिखा है, द परचेस रिटर्न बुक रिकॉर्ड्स द बेसिस सॉरी द डिटेल्स ऑफ द गुड्स रिटर्न, द डिटेल्स ऑफ द गुड्स रिटर्न, ओके। देखना जो हमने क्रेडिट परचेस करी थी लाइक बराबर है बाय द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टू द सप्लायर, लेकिन मुझे और एक बात बताना, अगर कोई कैश परचेस, अगर ऐसी परचेस है जो मैंने कैश पे करी थी है तो गुड्स वाली, अगर मैंने उसको रिटर्न किया तो क्या वो रिटर्न यहाँ पे रिकॉर्ड होगा क्या, नहीं। एसेट हमने कैश पे खरीदा था, हमने बेच दिया या फिर वापस कर दिया, वो यहाँ पे रिकॉर्ड होगा क्या, नहीं रिकॉर्ड होगा, ओके। यहाँ पर भी वही फंड अपना है, गुड्स ओनली, क्या लिखना आपको यहाँ पे, गुड्स ओनली जो आपने कैसे खरीदे थे पता है, क्रेडिट पे खरीदे थे, जो आपने कैसे खरीदे थे, क्रेडिट पे खरीदे थे, राइट। चलो नेक्स्ट देख लेना, परचेस रिटर्न बुक इज ऑल्सो नोन एज रिटर्न आउटवर्ड बुक, आईएमपी कर देना, परचेस रिटर्न बुक इज ऑल्सो नोन एज रिटर्न आउटवर्ड बुक, राइट बराबर। चलिए लास्ट फोर्थ पॉइंट देख लेना, द गुड्स परचेज फॉर द कैश एंड रिटर्न आर नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, ये मैं आईएमपी करके रखना, इसको मैंने अभी ऊपर आपको बताई दिया है। ऐसी परचेसेस जो हम लोगों ने कैश पे करी थी लेकिन
हमने उसको बाद में वापस कर दिया, तो वो यहाँ पे रिकॉर्ड होने वाली है क्या? नहीं। अब ये पॉइंट तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मुझे लग रहा है ये आपके एग्जाम में पक्का पक्का पूछा जाएगा। देखो क्या लिखा है यहाँ पे, इन द केस ऑफ परचेस रिटर्न, इन द केस ऑफ परचेस रिटर्न अ डेबिट नोट इज सेंड टू द सप्लायर, अ डेबिट नोट इज सेंड टू द सप्लायर। एक बात याद रखना आप लोग यहाँ पे, अगर परचेस रिटर्न के टाइम पे डेबिट नोट इशू किया जा रहा है तो सेल्स रिटर्न के टाइम पे कौन सा नोट इशू होगा पता है? क्रेडिट नोट। याद रखना, परचेस रिटर्न के टाइम पर अगर हम डेबिट नोट भेज रहे हैं तो सेल्स रिटर्न के टाइम पे कौन सा नोट होगा? क्रेडिट नोट होगा। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? और याद रखना, इसी डेबिट नोट के बेसिस पे ही हम लोग क्या करते हैं, परचेस रिटर्न बुक के अंदर एंट्रीज बनाते हैं। हम लोग क्या करते हैं, परचेस रिटर्न बुक के अंदर क्या करते हैं, एंट्रीज बनाते हैं। ओके चलो डन, इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा यहाँ पे भी कुछ छोटे मोटे पॉइंट है, लेकिन ये कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आपने उसको एक बार रीड भी कर दिया तो फिनिश्ड। ओके, लेकिन इसमें से एक सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखना, परचेस रिटर्न के टाइम पर सप्लायर को कौन सा नोट भेजा जाता है, तो आपका आंसर आना चाहिए डेबिट नोट, डेबिट नोट। चलो इसका फॉर्मेट समझते हैं, यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा, डेट, जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए 1 अप्रैल 2024, यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो, गुड्स का डिस्क्रिप्शन लिख देना यहाँ पे, पर्टिकुलर्स वगैरह है कि नहीं। देन यहाँ पे लिखा जाएगा डेबिट नोट का नंबर LF होगा, और यहाँ पे लिखा जाएगा बेटा अमाउंट लिखा जाएगा। ओके चलिए, होप सो आप लोगों को परचेस बुक एंड परचेस रिटर्न बुक ये दोनों समझ में आ गया होगा। ओके चलो ठीक है सर, समझ में आ गया है। अब आगे बढ़ते हैं अपन सेल्स बुक की तरफ चलते हैं। अब सेल्स बुक आपको एकदम आसानी से समझ में आ जाएगा, क्योंकि आप अभी आप लोगों को परचेस समझ में आ गया ना, तो सेल्स एकदम आसानी से समझ में आ जाएगा। देखो अब ये सेल्स बुक ना, जैसे अगर मैं अगर एक कपड़े का व्यापारी हूं तो मैं अपने सप्लायर से उधार पे माल खरीदता हूं, तो ऐसे भी हो सकता है ना यार कि मैं बीइंग अ ट्रेडर या फिर बीइंग अ सेल्स पर्सन, मैं अपने दुकान का माल अपने कस्टमर को भी उधार पे बेच सकता हूं। तो जब मैं इस प्रकार के मतलब जब मैं इस प्रकार से अपने कस्टमर को उधार पे माल बेचूंगा ना, तो उधार वाली सेल्स रिकॉर्ड करने के लिए मैं कौन सा बुक मेंटेन करूंगा? सेल्स बुक मेंटेन करूंगा। कौन सा बुक मेंटेन करूंगा याद रखना? सेल्स बुक मेंटेन करूंगा। यहां पर भी याद रखना, ये ना यहां पर भी अपन रिकॉर्ड करते हैं गुड्स ओनली, वो भी कौन से वाले पता है? जिसको हमने क्रेडिट पे बेचा है, जिसको हमने कैसे किया, क्रेडिट पे बेचा है। ओके मैं यही पे बता देता हूं, पीरियडिक टोटल ऑफ सेल्स बुक इज टू बी रिकॉर्डेड ऑन, पीरियडिक टोटल ऑफ सेल्स बुक इज टू बी रिकॉर्डेड ऑन, बताइए। मान के चलो अपना ये सेल्स अकाउंट है, मान के चलना अपना कौन सा अकाउंट है बेटा, ये सेल्स अकाउंट है मान के चलो, तो पीरियडिक टोटल पीरियडिक टोटल ऑफ सेल्स बुक कहां पे रिकॉर्ड करी जाती है? ऑन द क्रेडिट साइट ऑफ सेल्स अकाउंट, ऑन द क्रेडिट साइट ऑफ सेल्स अकाउंट रिकॉर्ड करी जाती है। ओके और इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहां पे कैश कैश सेल्स को यहां पर रिकॉर्ड नहीं करते, रिकॉर्ड करते हैं क्या? नहीं। एसेट वाली सेल्स या फिर अपन ये बोल सकते हैं कि अदर देन गुड्स वाली कोई भी सेल्स यहां पर रिकॉर्ड होती नहीं, अदर देन गुड्स वाली सेल कोई भी यहां पर रिकॉर्ड होती नहीं। तो जब अपन किसी को माल बेचते हैं तो वहां पे अपन क्या इशू करते हैं बेटा, फिर इनवाइस इशू करते हैं, तो उसी इनवाइस के बेसिस पे अपन लोग क्या बनाते हैं? सेल्स बुक बनाते हैं। उसी इनवाइस के बेसिस पे क्या करते हैं अपन? सेल्स बुक बनाते हैं। तो सेल्स बुक का फॉर्मेट देख लेना, कोई फर्क नहीं है, डेट है, पर्टिकुलर्स है, इनवाइस नंबर है, LF है, डिटेल्स है एंड अमाउंट है, LF है, डिटेल्स एंड अमाउंट है। ओके इनफैक्ट मैंने यहाँ पे ना, इनफैक्ट मैंने यहाँ पर एक आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बना के भी दिया, देख लेना। नोट, द मैनर ऑफ रिकॉर्डिंग शैल बी सेम जस्ट लाइक परचेस बुक। मैनर ऑफ रिकॉर्डिंग क्या रहेगा? एकदम सेम टू सेम रहेगा, जस्ट लाइक परचेस बुक, कोई फर्क होगा क्या? नहीं। अब सर ये सेल्स रिटर्न का क्या मामला है? अरे भाई कुछ नहीं, जैसे हमने अगर किसी से माल खरीदा, अगर क्वांटिटी कम ज्यादा हो गई, या फिर हमको माल पसंद नहीं आया, या फिर अगर हमें हमारी क्वांटिटी मतलब गलत पहुंच गई, माल डैमेज हो गया है, ओके अगर ऐसा कुछ है तो ऐसे टाइम पर अपन क्या करते हैं, माल को वापस कर देते हैं। उसी तरीके से हो सकता है जब अपन किसी को माल बेचेंगे तो ये सेम रीजन अपने साथ भी हो सकते हैं, भाई कलर मैच, कलर पसंद नहीं आ गया, क्वांटिटी कम ज्यादा हो गई, क्वालिटी खराब है, गुड्स डैमेज मिल गए, तो अपने कस्टमर भी अपन को क्या कर सकते हैं, वापस भेज सकते हैं ना माल, अपोज भेज सकते हैं। तो ऐसे टाइम पर वो वाली रिटर्न्स को रिकॉर्ड करने के लिए अपन कौन सा बुक मेंटेन करते हैं याद रखना? सेल्स रिटर्न बुक मेंटेन करते हैं। अपन कौन सा बुक मेंटेन करते हैं याद रखना? सेल्स रिटर्न बुक मेंटेन करते हैं। ओके चलिए, पर इंपॉर्टेंट बात, परचेस रिटर्न के टाइम पर कौन सा नोट भेजा था? अरे डेबिट। तो सेल्स रिटर्न के टाइम पे कौन सा नोट इशू करना पड़ेगा? क्रेडिट।
कौन सा नोट इश्यू करना पड़ेगा याद रखना, क्रेडिट। ओके इतना याद रखना, परचेस रिटर्न डेबिट नोट, सेल्स रिटर्न क्रेडिट नोट। ओके चलो डन। फिर उसके बाद देख लेना बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेएबल बुक, बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेएबल बुक। अब याद रखना यार, ये जो है ना बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेएबल बुक, कोई भी बुक हो ये उतनी इंपॉर्टेंट है नहीं फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। क्यों बताएं? बिकॉज ये बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेएबल बुक आज की डेट में ये प्रैक्टिकल लाइफ में भी कहीं भी इन्वॉल्व है क्या? नहीं। प्रैक्टिकल लाइफ में कहीं पे ये फॉलो होता है क्या, या फिर इसको इसका यूज होता है क्या? नहीं होता है। होता है क्या बेटा? नहीं होता। तो सिंपली एक बात आप लोग याद रखना, बिल्स रिसीवेबल हमारी एसेट होती है, बिल्स रिसीवेबल हमारी क्या होती है? एसेट होती है। वेर एज बिल्स पेएबल हमारी क्या होती है? लाइबिलिटी होती है। यहाँ पे आगे दिया भी है मैंने, देख लेना। बिल्स पेएबल हमारी क्या होती है बेटा? लाइबिलिटी होती है। बिल्स पेएबल इज लाइबिलिटी एंड बिल्स रिसीवेबल इज वॉट? एसेट। बिल्स रिसीवेबल इज वॉट? एसेट। अब सर ये होता क्या है, ये होता क्या है? सिंपली हम लोगों ने ना इसको 12th के बिल्स ऑफ एक्शन वाले चैप्टर में पढ़ा है, बहुत डिटेल में करा है। और लेट मी टेल यू, हम फाइनेंशियल अकाउंट के अंदर बिल्स ऑफ एक्शन का भी चैप्टर करने वाले हैं, तो उस टाइम पर मैं इसकी एंट्रीज वगैरह डिटेल में वहां पे कवर करूंगा। यहाँ पे आप लोगों को सिर्फ फिलहाल क्या करना है, कंसेप्ट समझना है। तो मान के चलो कोई एक पर्सन है, उस पर्सन ने अपने कस्टमर को उधार पे गुड्स बेचे। एक पर्सन ने, कोई एक सेलर है या फिर कोई ट्रेडर है, उस ट्रेडर ने अपने किसी कस्टमर को उधार पे माल बेचा, फिर उधार पे गुड्स बेचे, उधार पे गुड्स बेचे। लेकिन याद रखना सामने वाले पर्सन के पास अभी तक ना 3 महीने तक कोई पेमेंट, मतलब सामने वाले पर्सन से हमको पता है 3 महीने तक कोई पेमेंट आने वाला नहीं है। तो हम ये चाहेंगे कि सामने वाला पर्सन अब हमको क्या करे पता है, सिर्फ रिटर्न में ये लिख के दे दे कि वो आने वाले 3 महीने के अंदर या फिर 3 महीने के बाद एक पर्टिकुलर डेट पर क्या कर देगा पता है, पेमेंट कर देगा। क्या कर देगा पता है? पेमेंट कर देगा, राइट। अरे अपन वो पढ़ते टाइम पे मैंने आप लोगों को बोला भी था ना कि मैं मिस्टर रामेश्वर सामले अपने पूरे होश खबास में लिख के दे देता हूँ कि मैंने एक साइन वाई ट्रेडर से ₹5,000 के गुड्स 3 महीने के टाइम पीरियड के लिए खरीदे हैं, जिसका पेमेंट मैं 3 महीने के बाद करने वाला हूँ, नीचे मैं साइन कर देता हूँ, है कि नहीं। तो इस वाली स्टेटमेंट को अपन क्या बोलते हैं बेटा, इस वाले स्टेटमेंट को अपन क्या बोलते हैं, बिल्स रिसीवेबल कहेंगे। क्या कहेंगे? बिल्स रिसीवेबल कहेंगे। ओके तो यहां पर मैं एक्सेप्ट करके दे देता हूं, सामने वाली पार्टी वो रख लेती है। सामने वाला मतलब सेलर ड्रॉ करता है और एक्सेप्टर क्या करता है उसको, मतलब बायर क्या करता है उसको, एक्सेप्ट करता है। बायर क्या करता है उसको, एक्सेप्ट करता है, राइट। तो उसको अपन क्या कहते हैं बेटा, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल कहते हैं। चलो ठीक है, इसके बारे में ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है, राइट। चलिए लाइकवाइज अगर हम, जैसे हमने किसी को माल बेचा था, तो हो सकता हम किसी से उधार पे खरीदे, हो सकता हम किसी से क्या करें, उधार पे माल खरीदे, तो हम वहां पर एक्सेप्ट करके दे देंगे, हम वहां पर एक्सेप्ट करके दे देंगे। ओके आपके एग्जाम के लिए ना ज्यादा इंपॉर्टेंट बस इतना है, बिल्स रिसीवेबल क्या है, एसेट है, तो बिल्स पेएबल क्या बेटा, लाइबिलिटी है। ओके ये वाले पोर्शन से आपको कोई क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा। ओके तो स्टिल मैं क्या करता हूं बता, आप लोगों को एक बार फॉर्मेट बता ही देता हूं। ओके देख लेना यहाँ पे फॉर्मेट में क्या क्या होगा, देख लेना। बिल्स रिसीवेबल बुक का फॉर्मेट देख रहे हैं अपन, सबसे पहले यहाँ पे लिखा जाएगा बिल नंबर, जैसे मान के चलो 1 है, तो यहाँ पे मैं तारीख लिख देता हूँ 1 अप्रैल 2024। किससे मिला, मान के चलो आरसी से मिला। एलएफ नंबर क्या है, मान के चलो 410 है। एक्सेप्टर कौन है, एक्सेप्टर है मान के चलो कोई आरपी है, एक्सेप्टर है कौन, कोई आरपी है। डेट, डेट ऑफ बिल क्या है सर, अब आपके हिसाब से कोई भी एक्स वाई जेड डेट आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो। ओके टर्म मान के चलना कि 3 महीने का टर्म है उस बिल का। ड्यू डेट क्या है सर, आफ्टर 3 मंथ्स, क्या होगा, आफ्टर वाला बिल है ये, आफ्टर 3 मंथ्स, लेकिन हम यहाँ पर क्या करेंगे, पर्टिकुलर डेट मेंशन करेंगे। अमाउंट सर, अमाउंट मान के चलना 5,000 का। डिस्पोजल लिख देंगे, ओके ये उसका फॉर्मेट है। लाइक वाइज यहाँ पे बिल्स पेएबल का फॉर्मेट है। ओके अब यहां पे देख लेना, यहां पर क्या था बेटा, एक्सेप्टर था, यहां पर एक्सेप्टेड मतलब फ्रॉम हुम रिसीव, यहां पर क्या होगा पता है, ड्रॉन बाय, किसने ड्रॉ किया, ओके किसने ड्रॉ किया, और यहां पर पे का नाम आ जाएगा, यहां पे किसका नाम आ जाएगा, पे का नाम आ जाएगा। वेल ठीक है, होप सो आप लोगों को यहां तक समझ में आ गया होगा। अगर यहां तक अच्छे से समझ में आ गया है तो इन शॉर्ट आप लोग ये समझ लेना कि आपको 50% ये चैप्टर क्लियर हो चुका है। ओके आप ये बिल्कुल मान के चल सकते हो कि आपका 50% चैप्टर यहाँ पे क्लियर हो चुका है, राइट। चलिए
अब अपन बढ़ते आगे। अगला अपना सब्सिडरी बुक होता है बेटा कैश बुक। अगला अपना सब्सिडरी बुक कौन सा होता है? कैश बुक होता है, राइट? ओके, इसके रिगार्डिंग आप लोग पहले एक बात याद रखना, ऑल टाइप ऑफ, मैंने क्या बोला यहां पे, ऑल टाइप ऑफ, ऑल टाइप ऑफ व्हाट सर? कैश रिसीट एंड कैश पेमेंट। ऑल टाइप ऑफ कैश रिसीट एंड कैश पेमेंट, जिस बुक में या फिर जिस अकाउंट में रिकॉर्ड होती है उसको अपन क्या कह सकते हैं? कैश बुक। इनफैक्ट ये भी याद रखना, अगर हमने कैश बुक मेंटेन किया है तो हमको अलग से कैश अकाउंट मेंटेन करने की जरूरत नहीं होती, और अगर हमने कैश अकाउंट मेंटेन किया है तो हमको अलग से कैश बुक मेंटेन करने की जरूरत नहीं होती। ओके, तो सिंपली व्हाट आई कैन से कि जहां पे ऑल टाइप ऑफ कैश रिसीट्स एंड ऑल टाइप ऑफ कैश पेमेंट्स रिकॉर्ड करी जाती है उसी बुक को अपन क्या कहते हैं बेटा? कैश बुक कहते हैं। उसी बुक को अपन क्या कहते हैं? कैश बुक कहते हैं। एक बात याद रखना, ऑल टाइप ऑफ रिसीट, ये ऑल टाइप ऑफ रिसीट कैश बुक के कौन से साइट पे रिकॉर्ड होगी? तो मेरा आंसर है डेबिट साइट पे। ऑल टाइप ऑफ रिसीट कैश बुक के कौन से साइट पे रिकॉर्ड होगी? डेबिट साइट पे। एंड ऑल टाइप ऑफ पेमेंट दैट इज कैश पेमेंट, कैश बुक के क्रेडिट साइट पे रिकॉर्ड होगी। लिटरली ये तो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि यार पेमेंट पेमेंट साइट कौन सा साइट होता है, डेबिट होता है कि क्रेडिट होता है, या फिर रिसीट साइट, सभी प्रकार के रिसीट कैश बुक के कौन से साइट पर रिकॉर्ड होती है। आपको इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके, चलिए आगे देखते हैं फिर क्या लिखा। देखना, कैश बुक इज इन द फॉर्म ऑफ एन अकाउंट। कैश बुक कौन से फॉर्म में होता है? तो कैश बुक अकाउंट वाले फॉर्म में मेंटेन किया जाता है। कौन से वाले अकाउंट वाले फॉर्म में सर? अरे अपने को अकाउंट वाला फॉर्म पता है ना बेटा, टी फॉर्म। कौन सा फॉर्म होता है ये? टी फॉर्म होता है। तो ये साइड को अपन क्या बोलते हैं? डेबिट। ये साइड को अपन क्या बोलते हैं? क्रेडिट साइड। और यहाँ पे अपन क्या लिख देंगे? कैश बुक, राइट? टी फॉर्म में मेंटेन किया जाता है, बेसिकली बोलने की बात वो है। आगे देख लेना, देखो यहाँ पे क्या लिखा, कैश बुक ऑल्सो सर्व फॉर द पर्पज ऑफ कैश अकाउंट। अभी मैंने थोड़ी देर आपको पहले बताई दिया, अगर हमने कैश बुक मेंटेन किया है तो कैश अकाउंट अलग से मेंटेन करना जरूरी नहीं होता, राइट? चलिए यहाँ पे क्या लिखा है, ऑन द डेबिट साइड ऑफ कैश बुक ऑल कैश रिसीट्स। क्या लिखा हमने यहाँ पे? ऑल कैश रिसिट्स। इंपॉर्टेंट है, डेबिट साइड पे सभी प्रकार की कैश रिसिट जो हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, और क्रेडिट साइड पे सभी प्रकार के कैश पेमेंट जो कि मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया था रिकॉर्ड होते हैं। क्या होते हैं? रिकॉर्ड होते हैं, राइट? चलो फिर अपन देखते हैं, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, आप इसको कर सकते हो, राइट? इसको एमपी कर देना यार, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है अपना। द कैश बुक डस बोथ सब्सिडरी एंड प्रिंसिपल बुक। कैश बुक कौन सा बुक है बेटा? दोनों है, सब्सिडरी बुक भी है और अपना प्रिंसिपल बुक भी है। याद रखना, कौन सा है? सब्सिडरी बुक है और अपना प्रिंसिपल बुक, दोनों है। ये भी आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, ये भी आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। ओके, ओनली। और यहाँ कैश बुक के अंदर ट्रांजेक्शन कौन सी ऑर्डर में रिकॉर्ड होते हैं? तो आपका आंसर आना चाहिए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड होते हैं। कैश बुक में कौन से ऑर्डर में ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होते हैं? तो आपका आंसर क्या आना चाहिए? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है, राइट? ओके, और एक बात याद रखना, कैश बुक का बैलेंस बैंक को छोड़ के, कैश बुक का बैलेंस हमेशा हमेशा कौन सा बैलेंस होगा बताए? डेबिट बैलेंस होगा। कैश बुक का बैलेंस हमेशा हमेशा क्या होगा? डेबिट होगा, नहीं तो नील होगा। डेबिट होगा नहीं तो क्या होगा? नील होगा। कैश बुक का कभी भी क्रेडिट बैलेंस हो सकता है क्या? नहीं। कैश बुक का कभी भी क्रेडिट बैलेंस होता है हो सकता है क्या? हो नहीं सकता। ओके, चलो तो ये था थोड़ा सा इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग, आप ये बोल सकते हो इंट्रोडक्शन टू द कैश बुक बोल सकते हो। अब इसके आगे अपन लोग क्या करेंगे? टाइप्स ऑफ कैश बुक को पढ़ेंगे। इसके आगे अपन क्या करेंगे? टाइप्स ऑफ कैश बुक को पढ़ लेंगे। ओके, चलिए देख लेते। देखो टाइप्स ऑफ कैश बुक के अंदर, सबसे पहला कैश बुक अपना है बेटा सिंपल कॉलम कैश बुक। और याद रखना, सिंपल कॉलम कैश बुक इज ऑल्सो नोन एज, सिंगल कॉलम कैश बुक। सिंपल कॉलम कैश बुक को अपन क्या बोलते हैं? सिंगल कॉलम कैश बुक बोलते हैं। ओके, अब जरा देख लेना यार, इसके अंदर वैसे तो कुछ एक्सप्लेन करने लायक है नहीं, फिर भी देखो। सिंपल, ओके, सिंपल कैश बुक इज लाइक नॉर्मल कैश अकाउंट। सिंपल कॉलम किसके जैसा है? नॉर्मल कैश अकाउंट की तरह। ये किसके अकाउंट की तरह बेटा? कैश अकाउंट की तरह। वेयर रिसीट्स आर रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड, मतलब ये साइड पर, ये अपना डेबिट साइड है, आपको नजर आ रहा है? ये कौन सा साइड है बेटा? अपना डेबिट साइड है। और ये साइड अपना कौन सा है? क्रेडिट साइड है। तो यहाँ पे, यहाँ पर मैं क्या करूंगा?
रिसीट्स रिकॉर्ड करूंगा। मैं यहाँ पे क्या रिकॉर्ड करूंगा बताइए, रिसीट्स रिकॉर्ड करूंगा। मुझे यहाँ पे क्या रिकॉर्ड करना है, सभी प्रकार की रिसीट्स रिकॉर्ड करनी है। और क्रेडिट साइड पे मुझे क्या रिकॉर्ड करना है, बोलो, सभी प्रकार के पेमेंट्स रिकॉर्ड करने। मुझे क्या रिकॉर्ड करने है क्रेडिट साइड पे, सभी प्रकार के पेमेंट। और रिसीट्स डेबिट साइड पे क्या करना है मुझे, सभी प्रकार की रिसीट्स रिकॉर्ड करनी है। ओके, सभी प्रकार की क्या करनी है मुझे, रिसीट्स रिकॉर्ड करनी है, राइट। फिर यहाँ पे देख लेना डेट कॉलम होता है, पर्टिकुलर्स एलएफ अमाउंट डेट, क्रेडिट साइड वाला पर्टिकुलर्स एलएफ एंड अमाउंट। ओके, ये अपना सिंपल कॉलम कैश बुक होता है। ये अपना कौन सा कॉलम होता है बेटा, सिंपल कॉलम कैश बुक होता है। और एक बात याद रखना, अगर आपको कैश का ओपनिंग बैलेंस दिया जाए, अगर आपको कैश का कौन सा बैलेंस दिया जाए बेटा, ओपनिंग बैलेंस दिया जाए, तो आपको सीधा सीधा क्या करना है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1 अप्रैल 2024 तारीख। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्या लिख दूंगा मैं, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। और कैश वाले कॉलम के अंदर ये जो अमाउंट वाला कॉलम आपको नजर आ रहा है ना, ये कैश कॉलम होता है। और यहाँ पर भी ये कौन सा कॉलम होता है बेटा, कैश कॉलम होता है। तो अमाउंट वाले कॉलम में लेट से अपना बैलेंस ब्रॉट डाउन था 4000, तो ये 4000 हमेशा डेबिट पे लिखेंगे अपन। क्या करेंगे, हमेशा डेबिट पे लिखेंगे। ओके, डन। तो उसके बाद मान के चलो कि हमने सेल्स किया, हमने क्या किया, सेल्स किया, तो सेल्स से भी मेरे पास पैसे आ जाते हैं। तो मैं क्या करूंगा, मान के चलो 5000 का सेल्स हुआ, तो मैं ये साइड पर रिकॉर्ड कर दूंगा। सर मान के चलो फिर हमने ना सैलरीज का पेमेंट कर दिया, हमने क्या किया, सैलरीज का पेमेंट कर दिया, तो ये कहां पर आ जाएगा, पेमेंट साइड पे। मान के चलो कि हमने 9000 का सैलरी का पेमेंट किया है। फिर मान के चलो कि अगर मैंने रेंट का पेमेंट किया है कि वो कुछ 400 रुपए था, तो ये रेंट की पेमेंट इस साइड पे आ जाएगी। ओके, सिंपली इतना तो समझ में आ गया ना भाई, सभी प्रकार की रिसीट डेबिट साइड पे, सभी प्रकार के पेमेंट क्रेडिट साइड पे। ओके, कैश बुक। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अब मुझे एक बात बताना, अरे यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट वो पहले कर लेते हैं। इसका जो कोई बैलेंस निकलेगा, मैंने क्या बोला था, इसका जो कुछ क्या निकलेगा बेटा, बैलेंस निकलेगा। जैसे यहाँ पर अपन, मैं और एक एग्जांपल ऐड कर देता हूँ। मान के चलो कि हमने ना फिक्स्ड एसेट बेच दी, क्या कर दिया हमने, फिक्स एसेट बेच दी, कितने की बेटा, 20000 रुपए की फिक्स एसेट बेच दी। अब अपन क्या करेंगे, इसका टोटल करेंगे, अपन क्या करेंगे, इसका टोटल करेंगे, और इसका यहाँ पे क्या निकलेगा फिर बताए बेटा, बैलेंस निकलेगा। क्या निकलेगा, बैलेंस निकलेगा। अब ये तो डमी एग्जांपल है, ये कोई हार्ड एंड फास्ट मैंने अमाउंट ली नहीं है। तो ये बैलेंस आपका क्या कहलाता है बेटा, कैश इन हैंड। यही आपका बैलेंस क्या कहलाता है बेटा, कैश इन हैंड कहलाता है, जो कि यहाँ पे थ्योरेटिकली लिखा गया, देख लेना। द टोटल ऑफ रिसीट कॉलम इज ऑलवेज ग्रेटर दैन टोटल ऑफ पेमेंट कॉलम। ओके, बता दिया। देन डिफरेंस बिटवीन डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड, डिफरेंस बिटवीन डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड इज रिकॉर्डेड बाय बैलेंस कैरीड डाउन। ओके, एंड द अबव बैलेंस इज ट्रीटेड एज कैश इन हैंड। उसी को अपन क्या बोलते हैं, कैश इन हैंड बोलते हैं। और यही कैश इन हैंड बैलेंस शीट के एसेट साइड पर रिकॉर्ड होता है। ये कहां पर रिकॉर्ड होता है बता देना, बैलेंस शीट के एसेट साइड पर रिकॉर्ड होता है एज अ कैश इन हैंड। ये एज अ क्या रिकॉर्ड हो जाता है बेटा, कैश इन हैंड रिकॉर्ड हो जाता है बैलेंस शीट के एसेट साइड पे। ओके श्योर, होप्स आप लोगों को सिंपल कॉलम कैश बुक समझ में आ गया होगा, या फिर सिंगल कॉलम कैश बुक अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके चलो फिर अपन बढ़ते आगे। अब ना मैं आगे आप लोगों को एक्सप्लेन करूं, इसके पहले मैं आपको ना एक केस दे देता हूं यहाँ पे, ताकि आप लोगों को एक सेंट्रल आइडिया लग जाए कि हम किसके बारे में डिस्कशन यहाँ पे कर रहे हैं। ओके मुझे एक बात बताइए, जैसे मुझे कुछ रिसीट्स करनी है और कुछ पेमेंट्स करने हैं। मान के चलो कि कोई राम नाम का कोई कस्टमर है, मेरा कोई राम नाम का कस्टमर है, मैंने उसको ना 10000 उधार पे माल बेचा, कितने पे, 10000 उधार पे माल मैंने उसको बेचा। अब इस राम को, मतलब उस राम को ना हमने क्रेडिट पीरियड दिया कितने महीने का बेटा, 3 महीने का। राम को मैंने क्रेडिट पीरियड दे दिया है 3 महीने का, मतलब राम मुझे पैसे कब लौटाएगा, 3 महीने के बाद। लेकिन मैंने राम को एक ऑफर दिया, मैंने कहा राम देख तू मुझे पैसे 3 महीने के बाद कितना देने वाला है, 10000 रुपए। तो एक काम कर, तू मुझे अभी के अभी इमीडिएटली पेमेंट कर देना, मैं तुझे ना 10% डिस्काउंट देता हूं। मतलब मैंने इस मिस्टर राम को क्या किया बता है, 10% डिस्काउंट ऑफर किया। मैंने उसको क्या ऑफर किया बेटा, 10% डिस्काउंट ऑफर किया। इसका मतलब कि अब मुझे मिस्टर राम को 1000 की क्या देनी है, डिस्काउंट देनी है, और मिस्टर राम से मुझे कितना लेना है, खाली 9000 लेना है। मतलब हम राम से 9000 रुपीज ले लेंगे और उसका अकाउंट हम क्या कर देंगे, सेटल कर देंगे।
अब देखो, जब हम अकाउंट सेटल बोलते हैं, इसका मतलब कि पहले मैंने इस राम को क्रेडिट किया होगा कितने पे, 10,000 पे, तो अब मुझे राम को डेबिट करना पड़ेगा कंप्लीटली 10,000 पे, तभी जाके उसका अकाउंट क्या होगा बेटा, सेटल होगा। तब उसका अकाउंट क्या हो जाएगा, सेटल हो जाएगा। तब मुझे एक बात बताओ, मैं यहाँ पे एंट्री क्या बना सकता हूँ, राम अकाउंट डेबिट, है ना? नहीं, जस्ट मिनट, हमने उसको फायदा दिया था, सॉरी सॉरी, ये मैंने उसको गलती से सप्लायर समझ लिया, हमने उसको फायदा दिया था, हमने उसको फायदा दिया था, मतलब मैंने उसको ना क्रेडिट किया होगा, मैंने उसको क्या किया होगा बेटा, क्रेडिट किया होगा। अब इसको तब मैंने, अगर मैंने उसको फायदा दिया था, अगर मैंने उसको फायदा दिया था, क्रेडिट नहीं सॉरी, मैंने उसको क्या कर दिया होगा बेटा, डेबिट कर दिया होगा। अगर मैंने उसको फायदा दिया था तो मैंने उसको क्या कर दिया होगा, डेबिट कर दिया होगा। अब अगर मुझे उसका अकाउंट सेटल कराना है तो मुझे उसको क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। तो सुन लेना, राम हमको क्या देगा बेटा, 9,000 रुपीज देगा। तो मैं एंट्री क्या पास करूंगा, कैश अकाउंट डेबिट कितना, 9,000 रुपीज, और मैं क्रेडिट में क्या लिख दूंगा, टू राम अकाउंट कितने से पता है, कंप्लीटली 10,000 से लिख दूंगा। अब जो डिफरेंस अमाउंट है ये अपन कहां पे लिखने के पता है, डिस्काउंट अकाउंट पे। कहां पे लिख देंगे बेटा, डिस्काउंट अकाउंट पे 1,000 रुपए लिख देंगे। तो लेकिन मुझे एक बात बताना, राम से हमको आने कितने थे, 10,000, या फिर मान के चलो कि हमने राम को 10,000 का माल बेचा और 10% हमने उसको क्या बोलते हैं, कैश डिस्काउंट दिया, कैश डिस्काउंट दिया। तो ये वाली जो 1,000 की कैश डिस्काउंट है, इसको क्या मैं किसी भी तरीके से अपने सिंपल कॉलम कैश बुक में रिकॉर्ड कर सकता हूं क्या, बताओ जरा, क्या इसको मैं किसी भी तरीके से मैं यहां पर अपने सिंपल कॉलम कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड कर सकता हूं क्या, बताइए। आपको दिख रहा है कहीं पे डिस्काउंट कॉलम, आपको नजर आ रहा है क्या रिकॉर्ड करने के लिए, कहीं पर भी नहीं है डिस्काउंट कॉलम, है क्या, नहीं। इसका मतलब सिंपल कॉलम कैश बुक का एक लिमिटेशन है कि सिंपल कॉलम कैश बुक के अंदर अपने को डिस्काउंट कॉलम दिखाई देता है क्या, नहीं। अपने को डिस्काउंट कॉलम दिखाई देता है क्या बेटा, नहीं दिखाई देता। तो इसको है ना, ये वाली जो डिस्काउंट है अपने लिए क्या बेटा, लॉस है, ये वाली डिस्काउंट क्या अपने लिए, लॉस है। इसलिए अपन क्या बोलते हैं, डिस्काउंट गिवन या फिर डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड। उसी तरीके से हो सकता है हम जिसके साथ डील कर रहे वो भी हमें डिस्काउंट दे दे, पॉसिबल है ना, हम जिसके साथ डील कर रहे वो भी तो हम लोगों को डिस्काउंट दे सकते हैं ना। अब मान के चलो कि कोई मिस्टर एक्स है, कौन है यार, कोई मिस्टर एक्स है। अब उसने हमको फायदा दिया था, मान के चलो 20,000 का, उसने हमको कितना फायदा दिया था, 20,000 का फायदा दिया था। अब उसने हमें क्या बोला पता है, देखो अभी के अभी पेमेंट कर देना, 10% डिस्काउंट ले जाना, अभी के अभी पेमेंट करो और कितना डिस्काउंट ले जाओ, 10% डिस्काउंट दे जाओ। अब उन्होंने हमें 10% की डिस्काउंट ऑफर करी है, इसका मतलब आज की डेट में अगर मैं उसको पेमेंट करता हूं तो मुझे इमीडिएटली मेरा 2,000 का फायदा है कि नहीं। अब मुझे उसको पेमेंट कितना करना पड़ेगा, 18,000 रुपए का, मुझे उसको पेमेंट कितना करना पड़ेगा, 18,000 का, मुझे 2,000 की क्या मिल जाएगी, डिस्काउंट। तो ये डिस्काउंट रिसीव्ड वाला भी तो कॉलम अपने पास कॉलम अवेलेबल नहीं है ना, है क्या, सिंपल कॉलम कैश बुक में देख लेना, कहीं पर भी आपको नजर आ रहा है सिंपल कॉलम कैश बुक के अंदर डिस्काउंट रिसीव का कॉलम नजर आ रहा है क्या, नहीं। इसका मतलब कैश बुक के अंदर अगर हम लोग और डेबिट साइड पे डिस्काउंट अलाउड एंड क्रेडिट साइड पे डिस्काउंट रिसीव्ड के लिए अगर हम कॉलम बना दे, तो हमारा कौन सा वाला कैश बुक बन जाएगा पता है, डबल कॉलम कैश बुक बन जाएगा। कौन सा वाला कैश बुक बन जाएगा बेटा, डबल कॉलम कैश बुक बन जाएगा, देख लेना यहाँ पे लिखा। ग्रेट सर, समझ में आ गया। देखो जी क्या लिखा है यहाँ पे, डेट पर्टिकुलर्स LF डिस्काउंट। याद रखना ये वाली जो डिस्काउंट कॉलम होती है ना, ये वाली डिस्काउंट कॉलम, ये हमारे लिए लॉस है, ये हमारे लिए क्या बेटा, लॉस है। और ये साइड पे जो डिस्काउंट कॉलम दिख रहा है ना बेटा, ये अपने लिए क्या है, गेन है, ये अपने लिए क्या है, गेन है, अपने लिए क्या है, इनकम है। ओके, ये अपने लिए क्या है, इनकम है। तो देखो इनकम है इसलिए कौन से साइड पे दिख रहा है आपको, क्रेडिट साइड पे, और लॉस है इसलिए अपने को कौन से साइड पे दिख रहा है बेटा, डेबिट साइड पे। इसके ऊपर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, डिस्काउंट कॉलम अपीयरिंग ऑन द डेबिट साइड ऑफ डबल कॉलम कैश बुक रिप्रेजेंट्स डैश, तो आपका आंसर आना चाहिए लॉस। और अगर क्रेडिट साइड का पूछे तो रिप्रेजेंट्स व्हाट, तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, गेन। अब इसके ऊपर आपको और एक क्वेश्चन आ सकता है कि डिस्काउंट कॉलम ऑन द डेबिट साइड ऑफ डबल कॉलम कैश बुक इज टू बी रिकॉर्डेड ऑन। और यहां सबसे इंपॉर्टेंट और एक बात याद रखना, जैसे ना एग्जाम्पल के लिए मुझे पक्का पता है आप में से ना कुछ एक तो बच्चे इसके अंदर पक्का फंसेंगे। ओके लेट मी सी कि यहाँ पे मैंने आपको, नहीं यहाँ पे ट्रिपल मैंने दे दिया, मैं यहाँ पे यहीं पे कर लेता हूँ। मान के चलो एक, जस्ट मान के चलना कि मैंने ना डिस्काउंट अलाउड 2,000 है, मतलब डेबिट साइड पे 2,000 नजर आ रहा है और क्रेडिट साइड पे कितना नजर आ रहा है, 4,000 आ रहा है, कितना आ रहा है,
4000 आ रहा है। ओके, मैं आपसे पूछता हूं इसका बैलेंस कितना निकलेगा, बताओ जरा, कमेंट करना, पक्का कमेंट करना। अगर आप इसका आंसर कमेंट करोगे ना, सच में आप इसका आंसर कमेंट कर देना, मैं लिख के देता हूं, आप में से 90% इसका आंसर बच्चे गलत बता देंगे, 90% गलत बता देंगे। ओके, क्योंकि ना सब बच्चे क्या करेंगे पता है, मुझे पता है बिल्कुल क्या करेंगे, ये लोग यहां पे 4000 का टोटल लिख देंगे, ये सेम टोटल यहां पे 4000 लिख देंगे, और यहां पर क्या बोलेंगे पता है कि 2000 का बैलेंस निकल रहा है, ये क्या बोलेंगे, 2000 का बैलेंस निकल रहा है बोलेंगे, बैलेंस कैरी डाउन 2000 ऐसा बोलेंगे। लेकिन एक बात बताऊं, ये जो तुमने बैलेंस निकाला ना, एकदम गलत है, एकदम इनकरेक्ट है, एकदम रॉन्ग है। ऐसा क्यों पता है, बिकॉज डबल कॉलम कैश बुक का जो डिस्काउंट कॉलम होता है ना, ये जो डिस्काउंट कॉलम आपको नजर आ रहे हैं, एक क्रेडिट साइड पे और एक डेबिट साइड पे, इनको बैलेंस नहीं किया जाता, इनको बैलेंस नहीं किया जाता, इनको मेयरली टोटल किया जाता है। इनको क्या किया जाता है, मेयरली टोटल किया जाता है, मतलब ये डिस्काउंट कॉलम का सीधा सीधा 4000 टोटल बनाया जाएगा, और ये साइड के डिस्काउंट कॉलम का सीधा सीधा 2000 टोटल बनाया जाएगा, और ये 2000 रुपए की जो डिस्काउंट कॉलम की टोटल है, इसको अपन सीधा सीधा उठाकर कहां पर रिकॉर्ड करते हैं पता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे। ये जो डिस्काउंट कॉलम आपको नजर आ रहा है, इसको सीधा सीधा कहां पर रिकॉर्ड करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे, और ये जो 4000 की आपको यहाँ पे क्रेडिट साइड का टोटल आपको दिख रहा है, इसको अपन कहां पे रिकॉर्ड करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड पे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं। बस यही तो एक डिफरेंस है ना फिर अपना, सिंपल कॉलम कैश बुक एंड डबल कॉलम कैश बुक में, सिर्फ डिस्काउंट कॉलम का ही तो फर्क है ना, बाकी कोई फर्क है क्या, नहीं। ओके, होप सो आप लोगों को ना सेकेंड कॉलम समझ में आ गया होगा, है ना, दैट इज डिस्काउंट कॉलम समझ में आ गया होगा, राइट, आ गया ना समझ में पक्का, ऐसे मुंडी मत हिला देना, अगर ना समझ में आ जाए तो पूछना जरूर, क्योंकि अगर यहां पे मुंडी हिलाओगे ना समझ में आने के बावजूद भी, तो एग्जाम में जाके मुंडी कटेगी, चेन्नई एक्सप्रेस का डायलॉग। ओके, देख लेना, व्हेन द डिस्काउंट कॉलम अपीयर्स ऑन द बोथ द साइड ऑफ कैश बुक दैट इज डेबिट एंड क्रेडिट अलोंग विद द अमाउंट कॉलम, देन इट बिकम्स अ डबल कॉलम कैश बुक, देन इट बिकम्स व्हाट, डबल कॉलम कैश बुक बन जाता है, राइट। चलो अब यहां पर कुछ की पॉइंट्स है, उसमें से ये की पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग देख लोगे इसको, हम मैंने आप लोगों को अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर और अपना जो व्हाट्सएप ग्रुप है मिशन महावितरण बैच का, उसके ऊपर मैंने ये इस बुक का ना ई फाइल शेयर किया हुआ, तो वो ई फाइल आप शेयर जो मैंने आपके साथ किया, आप उसका प्रिंट आउट ले लेना, और ये जो कुछ मैं की पॉइंट आपको बताता हूँ ना, उसके ऊपर लिखते चलना, ये इंपॉर्टेंट लिख लेना। इज नॉट बैलेंस्ड, ये बैलेंस किया जाता है क्या, नहीं किया जाता, बैलेंस किया जाता है क्या, नहीं किया जाता, इंपॉर्टेंट है वो वाला पॉइंट। ओके चलिए अब अपन बढ़ते आगे, जैसे मैंने अभी आप लोगों को थोड़ी देर पहले क्या बताया था, क्या बताया था सर, अब मैंने ना आप लोगों को थीम के थ्रू बताने की कोशिश की थी कि डबल कॉलम कैश बुक किस तरीके से पिक्चर में आ जाता है, उसी तरीके से अब मैं आपको समझाऊंगा कि ट्रिपल कॉलम कैश बुक किस तरीके से पिक्चर में आ जाता है। ओके ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। मुझे एक बात बताना, अगर हम किसी के साथ डील करेंगे तो जरूरी है क्या कि हर बार हम लोग कैश रिसीट करेंगे या फिर हर बार हम कैश का ही पेमेंट करेंगे, बोलो जरूरी है क्या, बोलो जरूरी है क्या, बिल्कुल जरूरी नहीं है। एक बात बताऊं आप लोगों को, मैं जब हम लोग इनकम टैक्स में पीजीबीपी वाला चैप्टर पढ़ेंगे ना, तो वहां पर मैं आपको समझाऊंगा कि अगर किसी पर्सन को एक दिन में पर्टिकुलर एक पार्टी को पेमेंट करना है, तो वो पार्टी को पेमेंट अपन 10,000 या उससे ज्यादा की पेमेंट है, तो हम लोग वो वाली पेमेंट कैश में कर ही नहीं सकते, वो वाली पेमेंट अपन कैश में कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते, तो वो वाली पेमेंट हमको कैसे करनी पड़ेगी बताएं, बैंकिंग चैनल के थ्रू करना पड़ेगा, कैसे करना पड़ेगा, बैंकिंग चैनल के थ्रू करना पड़ेगा, मतलब इनफैक्ट आप यहाँ पे चेक दे सकते हो, आईएमपीएस कर सकते हो, आरटीजीएस कर सकते हो, या फिर आज की डेट में आप यूपीआई भी कर सकते हो, लेकिन 10,000 है उससे ज्यादा की पेमेंट है तो आप लोग कैश में कर नहीं सकते, कैश में कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते। अब मुझे एक बात बताना, सिंपली मेरे एक कस्टमर ने मुझे चेक ला के दे दिया, मेरे कस्टमर ने क्या किया, मुझे चेक लाकर दे दिया, जो कि अकाउंट पे चेक है, जो कि क्या बेटा अकाउंट पे चेक है, तो मुझे एक बात बताना, अगर मेरे कस्टमर ने मुझे अगर अकाउंट पे चेक लाके दे दिया,
तो यार मेरे पास ना सिंगल कॉलम कैश बुक ना डबल कॉलम कैश बुक, सिंगल कॉलम कैश बुक ना डबल कॉलम कैश बुक, दोनों में बैंकिंग ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने का कोई स्कोप ही नहीं है। क्यों पता? क्योंकि हमारे पास कौन से कॉलम है, एक कैश कॉलम है और दूसरा डिस्काउंट कॉलम है। एक कौन सा कॉलम है, कैश कॉलम है, और दूसरा कौन सा है, डिस्काउंट कॉलम है। मतलब अपने पास बैंक का कॉलम होना चाहिए, बट बैंक का कॉलम वहां पर है क्या, नहीं है। तो कहने से डबल कॉलम कैश बुक के अंदर अगर मैं बैंक कॉलम जोड़ दूं, डबल कॉलम कैश बुक के अंदर अगर मैं बैंक सॉरी डबल कॉलम कैश बुक के अंदर अगर मैं बैंक कॉलम जोड़ दूं, तो वही मेरा क्या बन जाएगा, ट्रिपल कॉलम कैश बुक। वही मेरा क्या बन जाएगा बेटा, ट्रिपल कॉलम कैश बुक बन जाएगा। ओके चलो, तो यहां पर अभी अपन देखते हैं कि ट्रिपल कॉलम कैश बुक में क्या लिखा है। देखो, थ्री कॉलम कैश बुक या ट्रिपल कॉलम कैश बुक, व्हेन वन मोर कॉलम ऑफ बैंक अपीयर्स, व्हेन वन मोर कॉलम ऑफ बैंक अपीयर्स ऑन बोथ द साइड ऑफ कैश बुक, बोथ द साइड ऑफ कैश बुक, इट बिकम्स व्हाट, थ्री कॉलम कैश बुक या फिर ट्रिपल कॉलम कैश बुक। ट्रिपल कॉलम कैश बुक देख लेना, ये डिस्काउंट कॉलम, ये कैश कॉलम। अब यहां पर क्या आ गया बेटा, बैंक। यहां पर क्या आ गया, बैंक का कॉलम आ गया। फिर क्रेडिट साइड पे ये साइड अपना डेबिट होता है, ओके आपको तो पता ही है, और ये साइड अपना क्या होता है, क्रेडिट साइड होता है, राइट। तो ये साइड पे देख लेना, डिस्काउंट कॉलम है, कैश कॉलम है, और यहाँ पे क्या लिखा, बैंक कॉलम। यहाँ पर क्या बेटा, बैंक कॉलम है। ओके एक बात याद रखना आप लोग, यहाँ पे हमेशा यहाँ पे जो मैंने आपको लिख के दिया ना, बैलेंस बाय सॉरी टू बैलेंस होगा यहाँ पे। यहाँ पे क्या होगा, टू बैलेंस कैरीड डाउन, टू बैलेंस कैरीड डाउन। डिस्काउंट का कोई बैलेंस होता है क्या, यहां पर भी डैश और यहां पर भी क्या बेटा, डैश। यहां पर भी डैश, यहां पर भी डैश, लेकिन इसको यहां से हटा देना, ये गलती से यहां पे पेस्ट हो गया। ओके अब एक बात याद रखना, क्या बैंक का क्रेडिट बैलेंस हो सकता है, नहीं, तो यहां पे कोई आने का चांस ही नहीं है। तो बैंक का डेबिट बैलेंस सॉरी कैश का डेबिट बैलेंस यहां पे लिख दूंगा मैं, कैश का डेबिट बैलेंस मैं क्या करूंगा, यहां पे लिख दूंगा एज अ ओपनिंग बैलेंस ब्रॉट डाउन बोल के, राइट। क्या सर बैंक का भी, क्या सर बैंक का भी डेबिट बैलेंस हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है, बैंक का डेबिट बैलेंस हो सकता है क्या, इसका आंसर है यस। लेकिन बच्चों एक बात आपको याद रखनी है, कौन सी वाली पता है, ये एक्चुअली यहां पे नहीं है, ये अमाउंट यहां पर होगा। ओके यहां पर क्या लिखा है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। देखो ब्रॉट डाउन, कैश वाले कॉलम में तो कोई चांस नहीं है क्योंकि कैश का क्रेडिट बैलेंस होता ही नहीं है, लेकिन बैंक का क्रेडिट बैलेंस हो सकता है, बैंक का क्रेडिट बैलेंस हो सकता है। और एक बात याद रखना, बैंक का क्रेडिट बैलेंस तभी हो सकता है जहां पर आपके बैंक ने आप लोगों को ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दिया है। ओके बैंक ने क्या दिया आप लोगों को, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दिया है। इसका मतलब क्या होगा, सिंपली अगर आप लोगों को ऐसे दिया जाए ओपनिंग बैलेंसेस के तौर पे, ऐसे बोलते ना बैलेंसेस ब्रॉट डाउन, बैलेंसेस ब्रॉट डाउन, अगर वो ऐसे कहेंगे बैलेंसेस ब्रॉट डाउन कैश ₹2000 और ब्रैकेट में लिख देंगे डेबिट, ब्रैकेट में क्या लिख देंगे डेबिट, फिर क्या बोलेंगे बताएं, कैश का बैलेंस लिखेंगे ₹1000 और मैंने ब्रैकेट में लिख दिया क्रेडिट, फिर थर्ड बैंक का मान के चलो कि मैंने कुछ 500 का बैलेंस दिया है और ये है ब्रैकेट में डेबिट। ओके फोर्थ वन मैं अगेन लिख रहा हूं, देखना बैंक का बैलेंस दिया है और मैं यहां पे लिख रहा हूं ₹600, लेकिन ये क्या है, क्रेडिट है। ओके अगर मैंने ना इन चार केसेस के बेसिस पर ही अगर आप लोगों को कुछ एक छोटा सा एमसीक्यू बनाने की कोशिश करी, मैंने आपसे पूछा कि इनमें से कौन सा बैलेंस कहां पे अपीयर होता है, तो ये कैश का डेबिट बैलेंस, कैश का डेबिट बैलेंस ये अपन किधर दिखाएंगे, ये डेबिट साइड पे दिखाएंगे। किधर दिखाएंगे बताओ, ये अपन क्या करेंगे, यहां पे उठाएंगे और उसको यहां पे लिख देंगे डेबिट साइड पे। ओके मैं यहां पे लिख देता हूं, देख लेना प्रैक्टिकली, मैं यहां पे उसको लिख देता हूं, ये मान के चलो कि ये कैश का बैलेंस है, मैंने यहाँ पे ₹2000 लिख दिया। अब यहाँ पे कैश का क्रेडिट बैलेंस दिया है, तो हम क्या बोलेंगे, ये स्टेटमेंट ही गलत है, कैश का क्रेडिट बैलेंस होता ही नहीं, कैश का क्रेडिट बैलेंस होता है क्या, नहीं होता। अब एग्जाम्पल के लिए मान के चलो आपको बैंक का ₹500 का बैलेंस दिया है, तो आप क्या करोगे, बैलेंस ब्रॉट डाउन के अंदर बैंक वाले कॉलम में क्या लिख दोगे, ₹500। ओके अब देखो साइमल्टेनियसली आपका डेबिट और क्रेडिट बैलेंस हो नहीं सकता, हो सकता है क्या, नहीं, बट स्टिल मान के चलो कि अब यहाँ पे ये नहीं दिया है, अब मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्रेडिट बैलेंस दिया है, तो इसको मैं क्या करूंगा, उठाऊंगा और बैंक वाले कॉलम में लिख दूंगा यहाँ पे एज अ 600, क्या लिख दूंगा यहाँ पे एज अ ₹600 लिख दूंगा। ओके चलिए, आई होप सो आप लोगों को समझ में आ गया होगा।
पक्का? चलिए, अरे डिलीट क्यों नहीं हो रहा है? लेटेड हो जाएगा। अरे भाई ये कहां पे आ गए? जस्ट मिनट, ओके दैट्स इट। ये देख लेना, अब सबसे इंपॉर्टेंट एक टर्म है आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, कॉन्ट्रा एंट्री किसको कहते हैं ये समझ लेंगे। कॉन्ट्रा एंट्री किसको कहते हैं अपन ये समझ लेंगे। एक बात बताऊं क्या, ऐसा ट्रांजेक्शन जिस ट्रांजेक्शन में ना कैश प्लस बैंक दोनों इन्वॉल्व है, कैश प्लस बैंक दोनों इन्वॉल्व है, उसी को अपन क्या कहते हैं पता है? कॉन्ट्रा एंट्री कहते हैं। उसी को अपन क्या कहते हैं? कॉन्ट्रा एंट्री कहते हैं। जैसे कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, कैश विथड्रॉन फ्रॉम बैंक, बैंक से पैसे निकलेंगे कैश में बढ़ेंगे, है कि नहीं? जैसे यहीं पे समझ लेना आप लोग, बैंक से पैसे निकलेंगे और कैश में बढ़ेंगे, राइट? हो गया। फिर मान के चलो कैश डिपॉजिटेड इन अ बैंक, मतलब ये कैश का बैलेंस यहां से क्या होगा? कम होगा और यहां पे बढ़ जाएगा, बराबर? यहां से कम हो जाएगा और यहां पे बढ़ जाएगा। तो सिंपली कॉन्ट्रा एंट्री का मतलब ऐसी एंट्री होती है वेर वेर कैश अकाउंट, दैट इज कैश अकाउंट एंड बैंक अकाउंट बोथ आर इन्वॉल्व, उसको अपन क्या बोलते हैं बेटा? कॉन्ट्रा एंट्री कहते हैं। उसको अपन क्या कहते हैं? कॉन्ट्रा एंट्री कहते हैं। ओके, होप सो आप लोगों को ये सब कुछ आज का जो कोई हमारा डिस्कशन था आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ओके, अब देखना कैश बुक के अंदर बस अपना अभी एक छोटा सा पॉइंट बचा है और उस पॉइंट का नाम है अपना पिटी कैश बुक। कौन सा है? पिटी कैश बुक नामक एक पॉइंट बचा है, तो उसको अपन कल की डेट में कर लेते हैं। ओके, होप सो आप लोगों का प्रिपरेशन अच्छे से चल रहा होगा, कोई डाउट नहीं होगा। देख लेना महावितरण की तरफ से जो अभी एडवर्टीजमेंट निकला है लास्ट मंथ के अंदर, उसका डेट अभी मतलब फॉर्म भरने का डेट अभी तक निकला है क्या? नहीं निकला है, तो ये अपने को अच्छा खासा टाइम मिल रहा है, तो हमको क्या करना चाहिए? इसको एज अ पॉजिटिव लेना चाहिए, और जितना एक्स्ट्रा टाइम हम लोगों को मिल रहा है ना, उसको मुझे लगता है कहीं ना कहीं अपनी स्टडी में इन्वेस्ट करना चाहिए। ओके, होप सो आप लोग अच्छे से प्रिपेयर कर रहे होंगे, आपको कोई डाउट नहीं होगा। ओके, डाउट होगा तो प्लीज आप पोस्ट कर देना यार, अपना व्हाट्सएप नंबर है वहां पे बता देना क्या डाउट है, सॉल्व कर देंगे। ओके चलो, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।